खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर में 35 लाख की लागत से विधायक निधि से लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक ग्रेवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में सरदारपुर क्षेत्र में जीवन वायु ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को सरदारपुर अस्पताल में पर्याप्त एवं निरंतर ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट की सक्षमता 21 NMH 3 घंटे जो 1 मिनट में 117 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। इस प्लांट के साथ साथ अस्पताल में ऑक्सीजन लाइन से 35 से ज्यादा बेड़ों पर मरीजों की निरंतर ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आने वाले समय में सरदारपुर अस्पताल की ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों पर आत्मनिर्भर खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य लगभग 20 से 25 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। भूमि पूजन के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष महेश बाबर, जिला संगठन सचिव प्रमोद राज जैन, जिला महामंत्री राजेंद्र लोहार, नगर अध्यक्ष बलराम यादव, मंडलम अध्यक्ष अंबर गर्ग, CBMO शीला मुजालदार, डॉक्टर MLA जैन, डॉक्टर नितिन जोशी, डॉक्टर संगीता पाटीदार सहित ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी भी आदि उपस्थित रहे। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।